रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यानी खान। आप सबको बहुत खुशामदीद और सॉरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत बड़ा ब्रेक आ गया था, कोई वीडियो अपलोड नहीं करा था। थोड़ा सा टाइम था मेरा जो मैं बिजी हुआ था, इस वजह से। तो आज की जो वीडियो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरी जो अलबेली है, अलबेली आप सब जानते हैं मेरी बाइक है, उसकी जब भी कोई मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, कोई चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी इंस्टॉल करता हूँ, तो उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुजुकी GS 150 SE जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर जो आप कीमत दे रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, हकीकतन वो सिर्फ और सिर्फ उसके इंजन की है। जो क्वालिटी उसके इंजन की है वो किसी और बाइक में नहीं मिलती, जितना पावर। बाकी सब कुछ कचरा जो है वो सुजुकी कंपनी लगाती है। सीट हो गई, लाइट हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक बहुत बड़ी चीज़ जो प्रॉब्लम करती है, जहाँ बहुत सारी बकवास चीज़ें इस मोटर बाइक में लगाती है, थोड़ी सी मेहनत करें और जो पैसे ले रहे हो उसके हिसाब से, तो बहुत मज़ेदार चीज़ें हो सकती हैं। आपको चेंज ना कराना पड़ेगा। ओवरऑल आपको पता है हर चीज़ चेंज करानी पड़ती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बैक मिरर। ये जो बैक मिरर सुजुकी बना के देता है, इसकी क्वालिटी बहुत थर्ड क्लास होती है। और इस बैक मिरर को जब आप बैक में देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके कंधे नज़र आते हैं, और अगर ज़रा सी कोशिश करते हैं इसके अंदर इसको टर्न करने की, तो हशर ये होता है, टूट जाते हैं ये। तो ये भी मेरे साथ हुआ और मैं काफ़ी अच्छे से परेशान था कि मुझे कोई ऐसे साइड मिरर लग जाए मेरी बाइक के अंदर, जो मुझे पीछे की ट्रैफिक को प्रॉपरली दिखा सकें, ताकि मैं उसके हिसाब से चल सकूँ। अमूमन हम बहुत सारे लोगों को बैक मिरर की आदत ही नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर योर सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के लिए। तो जब मेरा ये मिरर टूटा, तो मेरे पास एक 70 का लोकल मिरर था, जो मच बेटर देन सुजुकी के एक्सरसाइज के, पूरा आप मूव कर सकते थे। तो मैंने काफ़ी अर्से यूज़ किया, लेकिन जाहिर सी बात है ये भी इतनी अच्छी क्वालिटी थी, तो बहुत अरसे से मैं ढूंढ रहा था। तो जो मुझे सेट मिला है, ये सेट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सेट में लेकर आया हूँ, वो औरंगजेब मार्केट में है, रिजवान आटोज़, वहाँ पे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने जो ख़रीदी है वहाँ से मिलती हैं। तो ये 1250 रुपये का मुझे पड़ा है। उसी मार्केट के अंदर ये 1350 का भी था, 1450 का भी था, 1500 का भी था, लेकिन अच्छे रेट वहाँ से मिल जाते हैं, शायद उनका मैं परमानेंट कस्टमर हूँ। चीज़ बहुत अच्छी है, जो मुझे ब्लैक चाहिए था। इसकी क्वालिटी देखें, साउंड से आपको लग रहा होगा शीशा। और सबसे ये चीज़ है कि आपको जितना एंगल में इसको रोटेट करना चाहें, ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये देखें, इसका सिस्टम बना हुआ है ये, और यहाँ से भी जो है ना, आप एलन की से करेंगे तो ये देखें, ये इस तरह से चल रहा है। तो ये आपको बड़ा अच्छा एक आपको फोकस बिहाइंड बैक मिरर का जो हो जाता है। अभी मैंने एक लगाया है अपनी बाइक पे, उसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लगाया है और क्या फ़र्क आ रहा है, उस वीडियो को देखें। और फिर आखिर में जो है, मैं आपको ये दोनों मिरर लगा के और मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा। तो यहाँ तक की वीडियो देखिए, तो आखिर का पार्ट ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है तो मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सोशल हैंडल्स के ऊपर मैं यानी खान के नाम से हूँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से, इवन स्नैक पर आपको मेरी शॉर्ट वीडियो अच्छी लगती हैं तो बहुत थैंक यू। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने जा रहा हूँ, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मैं बाइक की लेकर आया हूँ, उसकी वीडियो भी बहुत जल्द लोड करूँगा। तो चलिए चलते हैं उस वीडियो की तरफ, जहाँ मैंने एक पार्ट इसका लगा दिया है वो आपको दिखाते हैं, और आखिर में ये दोनों पार्ट लगा के ना, दोनों मतलब मिरर लगा के आपको अपनी अलबेली की लुक दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिरर के, बैक मिरर के हवाले से दिखाना चाहूँगा। ये सुजुकी का ओरिजिनल मिरर लगा हुआ है, अगर आप देखें, ठीक है। और इसको मैं अगर अपने से दिखाऊँ तो मेरे कंधे ही इसमें नज़र आते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर कोशिश करो तो ये कहीं से भी मूवेबल नहीं है, और ये इसका टूटने का डर रहता है, जो मेरा एक मिरर टूट चुका है। अच्छा, अभी ये देखें, मैंने सेकंड जो अभी आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ये मिरर मैंने लगाया। एक तो ये आपके कंधे के अलावा पूरा बैक दिखा रहा है, अगर आप मेरे उससे देखें जहाँ आई साइड से, और दूसरा ये कि ये फ्लेक्सिबल है, आपको इसको किसी ने भी एंगल में पीछे आगे मोड़ना चाहें, और इसके देखें बहुत खूबसूरत ये है, और ये इस तरह से भी मूवेबल हो सकता है, मतलब आपको इसको जहाँ कहीं करना चाहें, जितना नीचे करना चाहें, जिस तरह से करना चाहें, ये एडजस्टेबल है, आप इसको कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं लगाया, और ये सुजुकी की जहाँ बहुत सारी खसूसियात हैं, लेकिन एक इंजन के अलावा इसकी तकरीबन चीज़ें आपको जो है वो करनी पड़ती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी ऑलमोस्ट मैंने जून में ली है अपनी बाइक, और ये इसकी एक बारिश भी नहीं गुजरी है। अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर आपको रस्ट के निशान, पाउडर कोटिंग निकली हुई, हर चीज़ बहुत बुरी नज़र आ रही होगी। ये इसकी ये हालत देखें, ये सुजुकी का ओरिजिनल जो है वो
अगर आप देखें ये लगा हुआ इधर नज़र आ रहा होगा आपको, सुजुकी का नेम भी अगर मैं दिखाना चाहूँगा आपको लाइट में, ये देखें लिखा हुआ है सुजुकी, क्लियर अगर आपको नहीं हो रहा होगा, शायद लाइट कम है, लेकिन ये सुजुकी का ओरिजिनल है, उसकी हालत देख रही है, ये वाइब्रेशन हो रही होती है। तो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, ये मैंने चेंज किया है और चेंज करने के बाद आपको दिखाऊंगा। ये मिरर बहुत अच्छे लगे, एक तो मुझे ब्लैक चाहिए था बैक पे, तो वो ब्लैक भी आप देखें मेरी बाइक के साथ सूट करा है, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, कराची में औरंगज़ेब मार्केट में अगर आप जाते हैं तो यामाहा का बहुत बड़ा वो लगा होता है, एंड दिस इज़ रिजवान ऑटोज, जहाँ पे ये 1250 रुपये की आज की डेट में मुझे मिले हैं। आज जो है वो 16 मार्च 2022 है, तो दो है ये सेट 1250 के, बाकी जगह भी उसी मार्केट में थे, कहीं 1350 कहीं 1450 जिसकी, मुझे बहुत अच्छे रेट इनके लगे और इनसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं भी ली हैं मैंने, इवन ये विंड स्क्रीन भी है, ये भी चीज़ें हैं, तो कुछ और चीज़ें भी अभी इनसे मुझे लेनी हैं, तो आई विल शो यू कि ये मेरी अलबेली की कुछ मॉडिफिकेशन हुई, फाइनली आई गॉट द बेस्ट मिरर। तो ये थी वीडियो, और ये सुजुकी के जेनियन, और इसके अलावा भी मैंने एक आपको दिखाता हूँ, मैंने एक साइड पे टूटने के बाद ये लगाया था लोकल 70 का, इट्स मच बेटर देन सुजुकी, ये चेक करें, ये मैं चला रहा था, बस इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें लाइट की रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा थी, इसका शेप भी लेकिन अच्छा है, ये ऐसा है, एटलीस्ट सुजुकी के जैसा नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, आपके लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारी अपकमिंग चीज़ें तो वो बहुत जल्दी अपलोड होती रहेंगी एक टाइम मिला तो। ये जो है मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए करी है रिगार्डिंग बैक मिरर, बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन ये मुझे बेहतर लगा मेरी अलबेली के हिसाब से। तो यहाँ पे करते हैं साइन आउट इस दुआ के साथ के, जहाँ रहे खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।